नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। स्लाइस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका स्वागत है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कास्टिज्म यानी कि जातिवाद पर। हम सब भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे पहले ज्ञान, विज्ञान, वास्तुकला, आयुर्वेद ये सब भारत की धरती पर पैदा हुए। प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खूब उन्नति भी की, लेकिन इतनी अच्छाइयों में और उपलब्धियों के बाद भी कुछ विवाद और कमियां भी रह जाती हैं। इसमें से एक बड़ा विवाद है जाति प्रथा। जैसा हम देखते हैं कि भारत के आज़ाद होने के समय यानी 1950 के आसपास भारत में बुरी तरह से जाति प्रथा फैली हुई थी। बहुत सारे लोगों को निम्न जाति का घोषित करके उनसे जीवन की मूलभूत सुविधाएं और अधिकार भी छीन लिए जाते थे और उनको सभी तरह के संसाधनों से वंचित कर दिया जाता था। और अक्सर हमें यही पढ़ाया जाता है कि जाति प्रथा का आरंभ सनातन धर्म के ग्रंथों से हुआ, लेकिन आज के एपिसोड में हम विवेचना करेंगे कि आखिर क्यों इतनी विकसित सभ्यता, जहां ज्ञान विज्ञान में ऊंचाइयां छूने वाले भारत में ऐसी डिवीजन और कुप्रथा बढ़ गई कि जिसने सारे समाज को खंड खंड कर दिया। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक तौर में इतनी विकसित सभ्यता और हर जीव में, हर प्राणी में प्रभु का वास देखने वाली सभ्यता, नर सेवा में नारायण सेवा देखने वाली सभ्यता, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाली सभ्यता, सर्वे भवंतु सुखिना की बात करने वाली सभ्यता में ऐसा जाति भेद कब और कैसे पैदा हुआ और ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई कि जिसने ना सिर्फ भारतीय समाज को जातियों में बुरी तरह बांट दिया, बल्कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा साधनों, संसाधनों और विकसित होने के मौके से वंचित रहा, जिसकी कीमत भारतीय समाज ने एक लंबी गुलामी के रूप में भी चुकाई है और देश की बहुत सारी प्रतिभा समाज के किसी काम नहीं आ सकी। सो कास्ट सिस्टम केम 2000 years ago। वर्णा सिस्टम इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन द वर्णा कास्ट। वर्णा सिस्टम में व्यवसाय की कंपल्शन यानी प्रोफेशन की कंपल्शन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेटिंग मैरिड नहीं थी, यानी कि आप किसी से भी शादी करवा सकते थे। However, later the very caste system became a social evil when it was used as a weapon by the higher caste who exploited the lower castes like Shudras and Dalits, thus paving way to social discrimination. This exploitation included heavy taxes, prohibition of entry into temple premises, prohibiting the study of Ved. Vedon mein jati shabd ka koi ullekh nahi hai, balki ve varno ki baat karte hain. वेदों में चार वर्णों की बात की गई है, यानी कि ब्राह्मण्स द प्रीस्ट्स, क्षत्रिय द नोबल्स, वैश्य द कॉमनर्स एंड द शूद्र द सर्वेंट्स। द हिंदू सेक्रेट टेक्स्ट क्लियरली रिलेट वर्णास टू द गुना, दैट इज बिहेवियर एंड करेक्टर रेदर देन द बर्थ। भगवत गीता जो लगभग 200 ईसा पूर्व से है, जाति के महत्व पर जोर देती है। इसके अलावा मनु या मनुस्मृति के नियम एक ही युग से चार अलग अलग जातियों या वर्णों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि हिंदू जाति व्यवस्था 1000 और 200 ईसा पूर्व के बीच किसी समय मजबूत होने लगी थी। तब के समय की बात की जाए तो शादी के लिए एक ही जाति के होने की कंपल्शन नहीं थी, जैसे कि भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी जो कि एक ही जाति की नहीं थी। यदि हम इतिहास के पन्ने को ऐसे ही मोड़ते रहे तो हमें ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। अधिकांश भारतीय इतिहास के दौरान कास्ट सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं थी। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध गुप्त वंश, जिसने 320 से 550 तक शासन किया, वो क्षत्रिय के बजाय वैश्य जाति से था। कई बाद के शासक भी विभिन्न जातियों से थे, जैसे मदुरै नायक बलच जो कि व्यापारी थे, जिन्होंने 1559 से 1739 तक शासन किया। सो इट वॉज थेरेटिकल आइडिया फॉर डिविजन ऑफ द कम्युनिटीज। इवन वेदास डजंट टॉक अबाउट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। फिर मुगलों ने भारत की समृद्ध शिक्षा केंद्रों पर धावा बोल दिया
और भारत की महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट्स को नष्ट कर दिया। बाकी बची कुची पांडुलिपियों का मतलब ट्रांसलेशंस में खो गया और कई गलत इंटरप्रिटेशंस की वजह से हमारे ग्रंथों में लिखी हुई अनेकों जानकारियों का बहिष्कार किया गया। इसके बाद आगमन होता है ब्रिटिशर्स का। When the British Raj began to take power in India in 1757, they exploited the caste system as a means of social control. The British allied themselves with the Brahmin caste, restoring some of its privileges that had been repealed by the Mughal rulers. ब्रिटिशर्स के आने के बाद कास्ट सिस्टम का अच्छे से दुरुपयोग किया गया एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। महान शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी का कास्टिज्म पर क्या कहना है? कास्ट इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ रिलीजियस वन। इट वाज द आउटकम ऑफ द नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी। इट वाज फाउंड नेसेसरी एंड कन्वीनियंट एट वन टाइम। इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। इट इज यूजलेस नाउ। इट मे बी डिस्पेंस्ड विद Hindu religion and no longer requires the prop of the caste system. A Brahmin may intertwine with anybody, even a Pariha. He won't thereby lose his spirituality. And according to B.R. Ambedkar, caste is not a physical object like a wall of bricks or a line of barbed wire which prevents the Hindus from commingling and which has therefore to be pulled down. Caste is a notion, it is a state of the mind. The destruction of caste does not therefore mean the destruction of a physical barrier. It means a notional change. Caste may be bad. Caste may lead to conduct so gross as to be called man's inhumanity to man. चलिए अब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री राम संवाद ग्रंथ में क्या लिखा है। वर्णा आदर्श का ज्ञेया नते संति यथा स्थितौ तत्वहीनास्तु ते संति यस्मदिन्दु समाजके। अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक वर्ण व्यवस्था समाज का एक थ्योरेटिकल डिवीजन है एंड दे हैव नथिंग टू डू विद इट्स प्रैक्टिस। हिज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फोर कास्ट इज सेड टू हैव डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम पुरुष सूक्त ऑफ द ऋग्वेद। What a sheer misunderstanding, what a distortion of the word of the God. The Purusha Sukta is a hymn dealing with cosmogony and not with the structure of Vaag society. Rig Vede Varna Vedasya Pramanam Drishyate Tviti Bhrantanudharana Yesha Bhavet Shathyamayinuva। अर्थात जो लोग वर्ण भेद का प्रमाण ढूंढते हैं या तो उनकी विचार शक्ति भटक गई है या फिर वे अव्वल दर्ज के धूर्त हैं। येषु हि चाश्रिता धर्मो वैदिकोयम् सनातनः नोच्चता नीचता तेषु सर्वेषु समता ध्रुवम्। And to the Vedas, everybody who follows the Sanatan Dharma holds the same status and none can be instructed as high and low। जातियों और वर्णों की वेद मार्ग से ये गिरावट ही है कि उन्होंने अन्न प्रश्न और विवाह आदि के अपने अलग ही नियम ढंग और मंत्र आदि बना लिए हैं। वेद इन अलग अलग रीतियों का विरोध करता है। वेद तो सब में समानता चाहता है। यह बहुत शर्म की बात है कि बहुत सी जातियों को नीच और अछूत कहकर समाज से बाहर निकाल दिया गया है। इससे हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हुई है। एष वैदिक शास्त्राणां सिद्धान्तस्सूरिसम्मतः न तु पार्थक्यमेतस्मात् स्वीकर्तव्यं कदाचन। There can be no separate rules for each caste as for everybody has same laws and laws shall apply। तुल्य एवेन्दवः सर्वे चैकशास्त्रो न शासिताः अन्नपानादि संबंधे त्वयुक्ता भिन्न जातिता। Every Hindu holds the same status as uniform laws apply to them. There can be no distinctions based on diet. There are no caste restrictions in the settlement of matches. Every Hindu is eligible to marry any girl. So there is no recognition as to be given barriers of diet and marriage।
तथा विवाह संपर्के नास्ति कार्या विचारणा उद्वहेद्धिन्दुकन्यान्तु हिंदुपुत्रो विधानतः। जातिवाद ने किस तरह से हमारे समाज को खोखला किया है ये तो हम सभी जानते हैं। हमने इस एपिसोड में आपके समक्ष कुछ बातें रखी जिन्हें महान पर्सनालिटीज ने अपने मुख से कही और इस ग्रंथ श्री राम संवाद में भी किस तरह से कास्ट और वर्णा को स्पष्ट किया गया है ये हमने आपको बता दिया है। अगले एपिसोड में हम हमारे वेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सप्त सिंधु।